हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरसीसी में पढ़ेंगे एक्सपोजर कंडीशन के बारे में। जो डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन होती हैं, जैसे हो गई है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इनके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है और मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें ये पूछ लिया जाता है आरसीसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो कंडीशन हो गई है वो हो गई है माइल्ड, दूसरी हो गई है मॉडरेट, तीसरी हो गई है सीवियर, चौथी हो गई है वेरी सीवियर, फिफ्थ हो गई है एक्सट्रीम। ये हो गई है एक्सपोजर कंडीशन। इसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो कितना होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट माइल्ड के लिए होता है M20, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35, एक्सट्रीम के लिए M40। नेक्स्ट है मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए स्ट्रक्चर में। मिनिमम क्लियर कवर माइल्ड के लिए 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवियर के लिए 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 mm, एक्सट्रीम के लिए 75 mm। तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, किसी से भी पूछ लिया जाता है। माइल्ड के लिए मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है, या मॉडरेट के लिए मिनिमम क्लियर कवर कितना होता है, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए हैं वो हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स, कौन सी कंडीशन माइल्ड में आती है, कौन सी मॉडरेट में आती है, कौन सी सीवियर में आती है, कौन सी वेरी सीवियर में, और कौन सी कंडीशन एक्सट्रीम में आती है। अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वेदर और रेन से प्रोटेक्टेड है तो वो कंडीशन कहलाएगी माइल्ड कंडीशन। तो इसमें पहला हो गया है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर। सेकंड हो गया है शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर्ड फ्रॉम रेन, शेल्टर्ड मतलब प्रोटेक्टेड। दूसरा है मॉडरेट में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं। इसमें अगर स्ट्रक्चर शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, या फिर शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड साल्टी एयर इन कोस्टल एरियाज, या फिर स्ट्रक्चर इज अंडर कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है, तो वो कंडीशंस क्या आएंगी मॉडरेट के अंदर। पहला हो गया है शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन। सीवियर रेन यानी भारी बारिश से स्ट्रक्चर को हम लोगों को बचाना है, और सैचुरेटेड शेल्टर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड साल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। और कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, तो ये कंडीशन डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। अगर स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है तो कौन सी कंडीशन होगी, या फिर अगर स्ट्रक्चर टाइडल जोन में है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सीवियर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। अगर स्ट्रक्चर सीवियर रेन में है, या फिर उस पे वाटर स्प्रे हो रही है, या फिर कंप्लीटली अंडर सी वाटर है, या फिर एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरमेंट है, तो ये सारी कंडीशन सीवियर्स में आती हैं। तो पहली हो गई है एक्सपोज टू सीवियर रेन, कोस्टल एनवायरनमेंट, वाटर स्प्रे, या फिर स्ट्रक्चर है कंप्लीटली अंडर सी वाटर।
कंप्लीटली अंडर सी वाटर। तो ये सारी कंडीशन आती हैं सीवियर में। फोर्थ हो गया है वेरी सीवियर में कौन कौन सी कंडीशन आती हैं, अगर स्ट्रक्चर सी वाटर स्प्रे में एक्सपोज्ड है, या फिर अंडरग्राउंड अग्रेसिव सबसॉइल वाटर के कांटेक्ट में है, या फिर एक्सपोज्ड टू सीवियर फ्रीजिंग। तो ये सारी कंडीशंस आती हैं वेरी सीवियर के अंदर। एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे कमा सीवियर फ्रीजिंग या फिर स्ट्रक्चर आपका इन कांटेक्ट विद अंडरग्राउंड अग्रेसिव सबसॉइल वाटर। नेक्स्ट है एक्सट्रीम में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, अगर मेंबर टाइडल जोन में है तो वो एक्सट्रीम केस में काउंट होगा, या फिर कांटेक्ट विद हार्मफुल केमिकल्स, या फिर केमिकल जो हार्मफुल होते हैं उनके कांटेक्ट में स्ट्रक्चर, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में काउंट होगा इन कांटेक्ट विद हार्मफुल केमिकल्स। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। लगभग सारे यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, माइल्ड के लिए M20, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 और एक्सट्रीम के लिए M40, 20, 25, 30, 35, 40। तो ऐसे याद रखना है आपको। और मिनिमम क्लियर कवर 20, 30, 45, 50, 75। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी आपको बार बार पढ़ना है। पहले माइल्ड में है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर एंड रेन, दूसरे में जो स्ट्रक्चर है वो शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन एंड सेचुरेटेड साल्टी एयर इन कोस्टल एरिया, और स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली अंडर वाटर। थर्ड सीवियर के लिए जो एग्जाम्पल्स हो गए हैं वो एक्सपोज टू सीवियर रेन, जो स्ट्रक्चर है वो सीवियर रेन में है और कोस्टल एनवायरमेंट में है, या फिर उस स्ट्रक्चर पे वाटर स्प्रे हो रही है, या फिर स्ट्रक्चर कंप्लीटली अंडर सी वाटर है, तो वो कंडीशंस आएंगी सीवियर में। वेरी सीवियर के लिए एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, सीवियर फ्रीजिंग, या फिर स्ट्रक्चर कॉन्टैक्ट में है अंडरग्राउंड अग्रेसिव सब सॉइल वाटर के। एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी होंगी, या तो स्ट्रक्चर टाइडल जोन में है, या फिर इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में है। तो ये सारी कंडीशंस एक्सट्रीम में आएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।